हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्म ज्ञान। आज हम स्टार्ट करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का न्यू सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। तो पहले समझते हैं कि ज्यूरिसप्रूडेंस होता क्या है। ज्यूरिसप्रूडेंस हमारा लैटिन वर्ड ज्यूरिसप्रूडेंसिया से ड्राइव किया गया है। ज्यूरिसप्रूडेंसिया दो वर्ड से मिलकर बना है, ज्यूरिस मींस लॉ एंड प्रूडेंसिया मींस नॉलेज। अब हम समझते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस हमारी फार्मेसी की ब्रांच है, जिसमें हम फार्मेसी से रिलेट लॉ, एक्ट एंड आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जो कि हमारे फार्मेसी प्रोफेशन पर लागू किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस का पर्पज क्या है। तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस हमारे फार्मासिस्ट के लिए आवश्यक होती है, जिससे कि फार्मासिस्ट को यह पता चलता है कि उसका पेशेंट के प्रति क्या एथिक्स हैं, उसका क्या रोल है। यह एक फार्मासिस्ट के लिए अति आवश्यक होता है। अगर फार्मासिस्ट को फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस की नॉलेज हो तो वह अगर फार्मेसी प्रोफेशन के चलते कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है तो वह आसानी से बाहर निकल सकता है। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, सेल, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोल करती है। अब हमारा स्टार्ट होता है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन हमारी वह कानून प्रणाली होती है जो कि हमारे फार्मेसी प्रोफेशन के लॉज को बनाती है, उनको कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट की हेल्प से उनको फार्मेसी प्रोफेशन के लिए लागू करती है। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के अंतर्गत वह सब कानून आते हैं जो कि हमारे फार्मेसी प्रोफेशन एजुकेशन सिस्टम पर लागू किए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यह सुनिश्चित करना होता है कि पेशेंट जो ड्रग ले रहा है वो रिक्वायर्ड क्वालिटी में पहले से टेस्टेड और सेफ्टी के साथ दी गई है या नहीं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के और भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना, मेडिसिन के प्राइस को कंट्रोल करना और हेल्थ केयर सिस्टम को प्रमोट करना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। जब हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ईयर 1811 में मिस्टर वाथगेट द्वारा एक केमिस्ट शॉप कलकत्ता में खोली गई। उसके बाद 1821 में एपोथकेरी शॉप मिस्टर स्मिथ द्वारा खोली गई। उसके बाद 1901 में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स ओपन की गई। उसके बाद 1903 में प्रोफेसर टी के गज्जर द्वारा एलेम्बिक केमिकल वर्क्स खोली गई। लेकिन यह शॉप एंड कंपनी खोलने के बाद भी यह इंडिया के लोगों की नीड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट बाहर से मेडिसिन इंपोर्ट करा रही थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिजीनियस मेडिसिन की डिमांड बढ़ गई। इसीलिए इंपोर्ट की गई ड्रग इम्प्योरिटी और एडल्ट्रेशन के साथ इंडिया में आ रही थी, तो जिसकी वजह से लोग मर रहे थे। और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई जिससे कि यह पता चला कि इंडिया में आने वाली ड्रग एडल्ट्रेंट्स के साथ बनी हुई हैं और वह गलत इफ़ेक्ट दे रही हैं। ईयर 1931 में लेट आर एन चोपड़ा की चेयरमैनशिप के साथ एक कमेटी बिठाई गई जिसको कि यह मैटर हैंडल करने के लिए कहा गया। तो उस कमेटी में 90 रिकमेंडेशन दी गई। यह रिकमेंडेट किया गया कि एक सेंट्रल और स्टेट लेवल फार्मेसी काउंसलिंग बनाई जाए और इसके साथ यह भी रिकमेंडेट किया गया कि ड्रग कंट्रोल मशीनरी क्रिएट की जाए और इसके साथ सेंट्रल और स्टेट लेवल पर वेल इक्विप्ड ड्रग लेबोरेटरी स्टेबलाइज की जाए जो कि ड्रग्स की जांच कर सके।
फिर गवर्नमेंट को इन सब रिकमेंडेशन पर इम्प्लीमेंट करने को कहा गया। इसलिए 1937 में एक बिल पास किया गया जिसमें इम्पोर्ट ऑफ ड्रग की इंक्लूडेशन की गई। इसलिए दोबारा कमेटी ने रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी और फोर्सफुली एक बिल पास कराया जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ ड्रग इंक्लूड की गई। ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। इसमें हमारा फर्स्ट एक्ट आया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में, जिसमें कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश के अनुसार ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद 1948 में फार्मेसी एक्ट आया जिसमें कि क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की आवश्यकता और उसका किसी फार्मेसी काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन की बात की गई। इसके बाद हमारा थर्ड एक्ट आता है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। इसमें ड्रग को गलत एडवर्टाइजमेंट पब्लिशिंग को कंट्रोल करने की बात की गई। इसके बाद 1955 में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया। इसके बाद ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट आया जो कि 1970 में आया। यह ऑर्डर ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए अस्तित्व में आया। इसके बाद इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में आया। इसके बाद हमारा नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में आया। यह एक्ट नारकोटिक ड्रग और नशीले सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसे कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।